सो नाउ अब वो रिकॉर्ड भी होना शुरू हो गया। अगर किसी को कोई अगर वो नहीं आ सके हैं तो उनको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सिमिलरली दिस विल हैपन एवरी टाइम वी डू दिस इंटरैक्टिव सेशन। इफ यू मिस इट यू कैन स्टिल सी द रिकॉर्डिंग। अच्छा तो सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा आप अगर आपको कोई चीज़ बोलनी है ना तो आप नीचे मुझे चैट में कर दें। इफ़ यू आर म्यूटेड देन आई विल अनम्यूट यू सो दैट यू कैन आस्क अ क्वेश्चन और से एनीथिंग। ठीक है तो सबसे यस सर। पहले तो बात शुरू करते हैं हम यहाँ से कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले भेजा था 8 मार्च को। एक मैंने भेजा था ईमेल मार्केटिंग का और वर्डप्रेस साइट बनाने के लिए। ठीक है उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को वो थ्रेड बनाया था जिसके ऊपर आप अपनी कैंपेन बता सकें। तीसरा काम मैंने आप लोगों को दिया था YouTube अकाउंट बनाने का, YouTube चैनल बनाने का और मोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ने का, और एक कीवर्ड्स का एक्सटेंशन मैंने आपसे कहा था कि वो भी अपने पास जो है वो डाल लीजिए। नाउ हियर सो टुडे विल जस्ट टॉक अबाउट सोशल मीडिया एंड समथिंग अबाउट आवर एग्जिस्टिंग कैंपेन्स वॉट एवर आवर प्लान कैंपेन्स आर। अच्छा अभी जो स्टेटस है उसके अंदर सेवन ग्रुप्स हैं। सेवन ग्रुप्स दैट हैव स्टिल नॉट सबमिट देयर कैंपेन्स। अब आप लोग क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग हैं नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, कब करेंगे, उनका कोई प्लान भी है या नहीं है, या आप लोग ने ड्रॉप ही कर दिया कोर्स, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। बट दिस इज नॉट द वे इट कैन वर्क। इफ यू डोंट इफ यू सिंपली कैन नॉट गिव मी दी योर एटलीस्ट योर टारगेट्स, हाउ विल यू एक्चुअली अचीव दोज टारगेट्स। तो पहले मुझे प्लीज ये टारगेट बताइए, अपने ऑब्जेक्टिव बताइए और उसके बाद फिर काम करना शुरू करें। ठीक है ऐसा करते हैं थोड़ा सा पहले सबसे पहले सुमेरा हक इज हियर और नॉट? नो। देन रूहा आर यू देयर? यस सर ओके। अच्छा अब हम जो भी बात कर रहे हैं ना वो सब लोगों को उससे सीखना है क्योंकि ये कैंपेन अलग अलग लोगों के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है बट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क। ओके तो वन क्लिक आपका वो है न्यूट्रो गाइड आपकी कैंपेन होगी और यस उसका सर मकसद होगा हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर लाना। और जी आपका सर प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऐसे SMS मार्केटिंग SMS मार्केटिंग। SMS एंड व्हाट्स मार्केटिंग अभी तक आपने SMS और व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में कुछ मालूम किया? सर मैंने बस मुझे बस एक चीज पता चली थी कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं मैसेजेस और कुछ सॉफ्टवेयर यूज होता है उसके अंदर भी आप अपना कंटेंट बनाते हैं और आपके पास फोन नंबर्स का डेटा होता है और आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोगों को अपनी अपने मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं बिल्कुल। तो वो ये मुझे सॉफ्टवेयर थोड़ा जो है सा पता वो चला था हाँ
अब उसके अंदर एक तो होता है जो SMS कास्टर है, तो वो आप डाउनलोड एक दफ़ा कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसे सेंड करते हैं। दूसरा एक और होता है वेब बेस्ड SMS, जो कि आप ओके ऑनलाइन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं और उससे भी भेज सकते हैं। दोनों में अलग अलग पेमेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, तो थोड़ा सा उसको मालूम करें एक दो SMS तो पहुंचे, काम करना है। अच्छा, अब सिर्फ आप जब जी सर, SMS कर रहे होंगे तो उसका मेनली तो काम SMS के जरिए हो रहा होगा, मगर SMS के जरिए कहीं उनको भेजना तो पड़ेगा ना, तो सारी आप जी बातें सब चीज़ तो SMS के ऊपर नहीं आ सकती, ना व्हाट्सएप पे आ सकती हैं। सो यू विल राउट देम टू आ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और बोथ, एंड देयर यू विल हैव सम कंटेंट ऑन न्यूट्रिशन एंड हाउ यू विल साइन अप एंड हाउ इट विल वर्क, वॉट एवर इट इज। तो ओके आपको यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज तो बनाना ही पड़ेगा, या कुछ तो बनाना पड़ेगा जहाँ पर जी सारी इंफॉर्मेशन। फिर जी आप सर, SMS और ठीक है, व्हाट्सएप से उन लोगों को वहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक सही, है? तो यस सर, इसके लिए आप ये करें कि YouTube चैनल बनाएं या Facebook पेज बनाएं, और उसके बाद फिर जो है वो एक मुझे एक वो एक SMS, इनिशियल SMS बना के देखें 160 कैरेक्टर्स का, कि जिसको आपको ओके कास्ट करना है। अब वो कैसे कास्ट करना है वो देखेंगे, लेकिन पहले आप SMS बनाएं तो सही, फिर हम देखते हैं उसे आगे। ठीक है सर, अच्छा, यस सर, नेक्स्ट एमैनुअल के ग्रुप से है कोई? एमैनुअल है या ग्रुप से है कोई? सही। आपको SMS कब तक बना के दिखाएं हम लोग, आज या कल तक सेंड कर दें? हाँ, बिल्कुल आराम से कर दें ओके एनुअल के ग्रुप से। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव फातिमा ग्रुप से है कोई? नो, सर, सब सो रहे हैं। कुछ लोग म्यूटेड भी हैं क्योंकि वो शोर ज़्यादा हो जाता है तो म्यूट हो जाता है खुद से। अगर उनको मेरी तो आवाज़ आ रही होगी ना, तो वो नीचे जो है वो टेक्स्ट कर दें, या आपके पास होता होगा रेज हैंड की ऑप्शन आ रही होगी, तो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट वी हैव शहजाद है, ये शहजाद के ग्रुप से हैं कोई? जी सर, शहजाद है। जी हाँ भाई, तो बताइए आप, आपका कौन मुर्गा बोल रहे हैं, किसके पास से बोल रहे सर, मेरी तरफ नहीं है, मेरी तरफ भी नहीं है। हैं? मेरी तरफ से बोल रहे हैं। मेडिकेशन अवेयरनेस, अवेयर मिनिमम 500 पीपल अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, और मिनिमम 100 सब्सक्रिप्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल अबाउट मेडिकल नॉलेज। तो शहजाद, आपका मेन प्लेटफॉर्म क्या है? सर हमारा मेन फॉर्म जो है ईमेल मार्केटिंग और वो है वेबसाइट। वेबसाइट है, यू मस्ट हैव अ वेबसाइट। तो मैंने जो आपको वेबसाइट बनाने का तरीका बताया उस पर तो आपको वेबसाइट बनानी ही है, और दूसरा जी सर, मेलजिम के ऊपर आप अपना ईमेल मार्केटिंग का भी सेटअप बनाएं। वो मेल जो आपने कल वो लास्ट वीक में भेजा था, तो उसको मैंने देखा है, उस पर वेबसाइट ईमेल बना रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो वो करें, मुझे वेबसाइट बता बना के दिखाइए कि आप की क्या वेबसाइट है। तो ये क्या टारगेट है कि टारगेट इसको थोड़ा
सा स्पेसिफिक करें। जी सर, वो आवाज़ कट रही थी नेट की वजह से सर, काइंडली रिपीट करें। आपको अपने टारगेट्स को स्पेसिफिक बनाना है, विच मीन्स कि दे शुड बी एबल टू कोई ऐसी होनी चाहिए स्पेसिफिक हो। अवेयरनेस इज नॉट स्पेसिफिक। मैं ये कर दूंगा कि जिन जैसे क्या? हाँ बोले बोले। मैं ये कर दूंगा कि जिनको हम अवेयर कर रहे हैं उनमें से किसी से ही लिखवा लें या कुछ साइन करवा लें कि हम अब जो है ना सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। हाँ ये भी हो सकता है। नहीं, इसको उससे ज़्यादा अच्छा यह है कि आप अपने ईमेल्स के रिस्पॉन्सेस को देख लें। आपका रिस्पॉन्स टू ईमेल, आपने रिस्पॉन्स भेजा, उसके अंदर कोई चीज़ आपने भेजी, कोई फॉर्म, कोई सर्वे, कोई चीज़, और उसके जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं उसको काउंट कर लें, तो सही है वो सर, सही है सर, मेजरेबल हो सही जाएगा। है ठीक है, सर। और आपका दूसरा यूट्यूब का भी हो जाएगा, तो इस तरह से मेजरेबल हो जाएगा। अच्छा, आहद क्या करेंगे आप लोग? फ्यूमिगेशन आहद? जी सर, सर हाँ, फ्यूमिगेशन से रिलेटेड है आपका। 20 पीपल टू साइन अप फॉर फ्यूमिगेशन सर्विस फ्रॉम होम, और SMS मार्केटिंग के जरिए करना है आपको ये काम, या कहीं और प्लेटफॉर्म। SMS, नहीं, SMS और हमें आगे व्हाट्सएप से नहीं हो रहा। हेलो तो जी, अब आपको जो ये काम करना है, जो साइन अप का प्रोसीजर होगा, तो साइन अप के लिए अगेन कोई ना कोई जगह तो होगी। आपका मेन जो एक्टिविटी मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो रही होगी वो तो SMS से हो रही होगी, लेकिन आपको भी एक फेसबुक पेज या कोई ऐसा वेबसाइट या कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे जाके वो साइन अप करेंगे। तो डू दैट, ठीक है सर, फिर आप लेकिन उसका इसमें एक रास्ता। तो इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। वो अगर लेट्स से डायरेक्टली कोई इंडिविजुअल सेलफोन पे करना हेलो हेलो। हाँ जी, आहत भाई, अपना जी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो सेलफोन पे रहते हुए साइन अप करना चाहे, यानी लेट्स से डायरेक्टली वो कहना चाहें कि हम अपनी सर्विसेज स्वाप करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में फिर यानी उनको साइन अप किस तरीके से करवाएंगे? या तो एक काम ये किया जा सकता है कि हम जो हार्ड कॉपी है उसका जो है एक फॉर्मेट जो है बना लें और उनसे जो है वो साइन अप ले लें। नहीं, जब आप ऐसी या व्हाट्सएप से कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी पिक्चर्स वगैरह भेज सकते हैं उनको, और उसके बाद आप एक फ़ोन नंबर उन पे शेयर कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर अपना इस पे कॉल करके या अपनी डिटेल्स इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज कर साइन अप कर सकते हैं, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ये ऑर्डर कर दें, उसका एक फॉर्मेट बना लें, नेम, एड्रेस, फोन नंबर रिक्वायर्ड, और बाकी ये हमारे पास व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ जाएगा तो हम आपके पास लोग डिलीवर करने के लिए भेज देंगे। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उस वक्त उसमें ठीक भी है हो ठीक सकता है। है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप जाहिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि फ्यूमिगेशन के बारे में क्या होता है, हम कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा होता है कि एक फेसबुक पेज हो या कोई हो जहाँ पे वो जाके देख सके।
हाँ इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये लोग क्या करते रहे हैं, क्योंकि लोग एक चीज़ ये करते हैं, उनको सिर्फ एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाए तो वो चेक करेगा, हो सकता है ऑर्डर वो व्हाट्सएप पे ही दे दे, मगर वो जाके एक दफ़ा चेक ज़रूर करेगा कि हाँ भाई फेसबुक पेज पर उसने देखा कि सिर्फ, तो वो कहेगा ये तो ऐसे ही बिजनेस है, ये चल ही नहीं रहा, तो वो वहाँ पर भी थोड़ा सा 10-15 पोस्ट होंगी, कुछ थोड़े से लाइक्स होंगे, तो वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये सही लोग सही। नहीं इस पे हम दो चीज़ों पे जो डेफिनेटली वर्क वर्क तो करेंगे, एक वेबसाइट पे भी करेंगे, यानी वैसे हमारा जो मॉड्यूल है वो तो SMS और व्हाट्सएप का है, लेकिन स्टिल वी विल बी वर्किंग ऑन द वेबसाइट एज वेल इन क्रिएटिंग वन ऑफ जो भी हमारी बन सकती है उसके थ्रू भी वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यस द प्लेटफॉर्म अगेन वुड बी SMS एंड व्हाट्सएप, बट वी विल मेक श्योर कि जो वी हैव अदर ऑल्टरनेट एज वेल टू वर्क ऑन। सही है, ठीक है, डन डन हो गया। अच्छा अच्छा ने नेक्स्ट कोमल, इनके ग्रुप से हैं कोई यहाँ पर? ओके, फरा के ग्रुप से हैं कोई यहाँ पर? क्रिएटिव वन, फरा तो हैं। आर यू देयर? ओके, आप बोल सकती हैं। ये जो आपका कस्टमाइज्ड ड्रेसेस का है तो उसके ऊपर क्या करेंगे? ऑनलाइन मार्केटिंग एफिलिएट होगा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑफ कस्टमाइज्ड ड्रेसेस और फेसबुक पेज, तो इट हैज़ टू बी अ वेरी स्पेसिफिक टारगेट कि आप कितने रिस्पॉन्सेज लाएंगी वेबसाइट के ऊपर, कितने क्लिक्स आएंगे या कितने लोगों को का करेंगी, या फेसबुक पेज के ऊपर है तो कितने उसके ऊपर लाइक्स या फॉलोअर्स आपके पास आ जाएंगे। यू हैव टू गिव दैट, यू हैव टू कम अप विद दैट स्ट्रेटजी, करना क्या है, टारगेट क्या है, होगा क्या, अचीव क्या होगा, ठीक है। अच्छा भाई, अभी तक तो ये होगा, कोई ऐसा है यहाँ पर जिसने मुझे कैंपेन नहीं भेजी, क्या वो करना क्या चाह रहे हैं वो बता दें अपनी बात। आई एम गोइंग टू कॉल फॉर अ मोमेंट। सर थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। वो क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। कि जिसको आप बोलें सिर्फ वही रिस्पॉन्स करे और बाकी की आवाज़ म्यूट हो जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। वो इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ इतना ज़्यादा है कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही। तो मैं यही कर लेता हूँ, म्यूट ऑल कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग जिसको हो वो हैंड रेस के ऊपर करे ताकि वो बता सकें। सईद आप बता दीजिए अपना कि आपने क्यों नहीं किया है अभी तक। नीचे चैट में ही बता दो। ईमेल साइन इन इशू,
नहीं साहब, जो है वो ईमेल साइन इन इशू है आपका। ईमेल साइन इन मतलब गूगल क्लासरूम में नहीं चल रहा है, तो सॉल्व करें भाई ईमेल या उसके बगैर तो काम नहीं होगा ना। फूड ब्रांड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ओके अच्छा ठीक है, चलिए सही है। तो आप सब लोगों को फेसबुक पेज का तो समझ में आ गया कि ये करना है। अच्छा अच्छा निदा, आपका आपने भेजा है अभी तक? कैंपेन नहीं भेजा है आपने? भी कैंपेन नहीं भेजी है ना? आप तो शायद मुझे अनम्यूट किया है, बट आवाज़ मुझे आपकी आ नहीं रही है क्लियर। क्या आवाज तो आ हेलो रही है, हेलो, बता दें। हेलो जी हेलो, सर आ रही है आपकी आवाज़? जी अब क्या रही है? ओके अब मुझे ये बता दें कि आपका आपकी कैंपेन का क्या प्लान है ताकि आगे बढ़ें। हाँ मुझसे पूछ रहे हाँ जी हाँ जी हाँ, निदा आपकी पूछ। जी जी सर, मैंने आपको ईमेल करी थी, वो मिस ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ तो इसके अलावा ये सिचुएशन है कि हमारा काम तो उसी दिन से स्टार्ट हो गया था जिस दिन मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। बस थोड़ा सा एक इशू ये है कि हमारे जो टीम मेट हैं तहाँ, वो गूगल ज्वाइन नहीं कर पा रहे, गूगल क्लासरूम। उन्होंने शायद आपको फेसबुक पे मैसेज भी किया है। बस थोड़ा सा इशू ये है कि हम लोग आपस में, मतलब हम लोगों को क्लियरिफाई है कि हमारा क्या काम है और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि चूँकि सारे ही, मतलब उन दोनों के जॉब रिलेटेड इशूज़ हैं और मेरा जो है वो एक आई सिंस आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंड, तो हमारी आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाई है। अदरवाइज क्लियर कट तो हमारा, मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि हम स्किन केयर के ऊपर काम कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल वर्सेस इम्पोर्टेड लेबल्स। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरीके से, मतलब ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो रैपिडली चेंज हो रही हैं, तो लोग जिस तरह प्राइवेट लेबल्स को बूम मिल रहा है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्किन केयर ब्रांड्स आहिस्ता आहिस्ता डिमांड में आती जा रही हैं, तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म कंटेंट मार्केटिंग के ज़रिए प्रोवाइड करें कि जिसमें एक प्रॉपर एक कंसाइज इंफॉर्मेशन हो कि कौन से अथेंटिक मैन्युफैक्चरर्स हैं लोकल मार्केट में जो वर्ल्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो सिंथेटिक है, व्हाटएवर है। और उसमें मेरा अपना पर्सनल आइडिया ये था कि एक जिस तरीके से मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी है कि आप जैसे ही आप अगर प्राइवेट लेबल या लोकल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो जो हमें स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, मतलब जो भी ब्रांड हमें स्पॉन्सर्ड करेंगे लोकल लोकली ऑब्वियसली, तो उनकी जो है वो जब जब वो हमारे बारे में सर्च करेंगे, तो तब तब जो है ना वो मतलब प्रायोरिटीज़ में आने चाहिए। फर्स्ट मतलब जिनका जो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं वो फर्स्ट उसमें आए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरीके से कर कर है। तो अब ये इसमें यह है प्लेटफॉर्म क्या है कि आपका? प्लेटफॉर्म मैंने जी कौन सा है मेन? सर पहले तो मैंने इंस्टाग्राम सोचा था, लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम जिस कैटेगरी का काम करें उस पे तीन किस्म के मतलब तीन किस्म के हमारे जो हैं वो बेसिकली टारगेट मार्केट है, और कुछ इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, कुछ फेसबुक यूज़र्स हैं, और जो थोड़े कॉर्पोरेट साइड्स में जैसे बिजनेस टू बिजनेस जिनको हमें कांटेक्ट करना है, वो लिंक्डइन वगैरह पे हमें अवेलेबल हैं। तो हमने आपस में तीनों ने अपने इंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म जो हैं वो सिलेक्ट किए थे। मेरा इंस्टाग्राम था, सायमा ने फेसबुक, और तहा ने लिंक्डइन की बात करी थी। लेकिन मैं अगेन वही बोलूँगी कि मेरी वजह से थोड़ा सा इन लोगों का जो है वो प्रोग्राम हिट हुआ है। अदरवाइज़ हमारी कोशिश है इंशाल्लाह इस वीक में जो है या तो हम ऐसे ही
ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि मिलने अगर हालात सही रहे तो इंशाल्लाह। तो एटलीस्ट कहीं एक पॉइंट से तो शुरू करें ना, या तो आप इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम से बेहतर है पहले आप क्या नाम है, फेसबुक फेसबुक पर जी वहाँ जी से शुरू करें, फिर उससे इंस्टाग्राम को लिंक कर दें। ठीक है। जी अच्छा, जी ये अभी मेरा तक भी आपने फेसबुक पेज बनाया कोई? नहीं सर, अभी तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। पेपर पे पूरा जो है फ्रेमवर्क रेडी है, होगा उस वक्त जब मतलब तीनों एक साथ बैठे या तीनों की बात हो। अनफॉर्चुनेट फैक्टर ये हो रहा है कि तीन में से एक एक कोई कभी कोई एक अवेलेबल है, कभी कोई दो अवेलेबल है, मतलब एक बंदा हमेशा मिसिंग आ रहा है। तो वो अब देखें, अब चूंकि ऑनलाइन सबकी वर्किंग स्टार्ट हो गई है, तो अब आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास एक्सक्यूज़ होगा। ठीक है। बाकी मैं आपको ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म अपडेट करती रहूँगी कि यहाँ तक पहुँच चुका है, और मैं आपसे लिंक्स भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब म्यूट कर रहा हूँ ताकि दूसरा कोई है तो बोल सके। हाँ, एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग अबाउट देयर कैंपेन्स, प्लीज रेज योर हैंड। नॉट फिजिकली। कोई नहीं है। ओके। तो आज बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म दैट यू मोस्ट ऑफ यू विल बी यूजिंग, विच इज सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम ही है, फेसबुक कैन बी इंटीग्रेटेड विद। अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते दूसरे भी, लिंक्डइन, ट्विटर है। अच्छा, अब एक का अपना अपना कुछ न कुछ फायदा है, कुछ न कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। तो फेसबुक इज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फेसबुक का ऑलमोस्ट एवरीबडी इज ऑन फेसबुक। अच्छा, फेसबुक पे कंटेंट भी शेयर हो जाता है, यूट्यूब से आप उसमें एम्बेडिंग आसान हो जाती है, ये सारी चीजें बहुत आसान है। ट्विटर का ये है कि ट्विटर इज गुड फॉर पीपल हु यूजुअली अ मोबाइल फोन एंड देन दे जस्ट थिंक अबाउट समथिंग एंड क्विकली दे रिस्पॉन्ड्स टू इट। अब तो ट्वीट, वैसे तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर जो है वो आम आदमी तक जो है वो स्मॉल थॉट्स दैट कम इन टू योर माइंड एंड देन यू जस्ट शेयर। तो ट्विटर इज मोर अबाउट शेयरिंग थिंग, शेयरिंग थॉट्स देन शेयरिंग कॉन्टेंट। तो हाँ, मीम्स के बारे में भी है, दैट्स ट्रू। अच्छा, तो उसके बाद पास आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मैंने एक फूल देखा, उसकी पिक्चर लगा दी है, अस्सलाम वालेकुम। तो किसकी आवाज़ थी, पता नहीं, टीवी थी। वालेकुम अस्सलाम। ओके। तो जोबिया, हमने कैंपेन्स हमारी हमने डिस्कस कर ली हैं, और अब हम जो है वो थोड़ा सा एक लेक्चर कर रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को आप लोगों को आवाज़ नहीं आया या वीडियो नहीं आया तो मुझे बताइएगा, यहाँ पर नीचे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा,
तो कहाँ पर थे हम? तो ओके सो टाइम इज मोर अबाउट हैपन पिक्चर्स देन वट एवर इज गोइंग के जबरदस्ती चीज़ देखी है कि इवेंट हो रहा है कुछ चीज़ हो रही है तो उससे रिलेटेड जो कोई पिक्चर हमें और हमने अच्छा इंस्टाग्राम इज मोर अबाउट दिस के एक पिक्चर हुई और लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया लोगों ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया तो इंस्टाग्राम इज मोर अबाउट ओपिनियन लीडर्स यानी कि वो लोग जो कि अपने जिनका एक बड़ा सोशल सर्कल होता है और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं दे गेट टू बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड देन दे कैन यूज दैट इंस्टाग्राम टू एंडोर्स प्रोडक्ट उसको पोर्ट्रे करने में बहुत मदद देता है लास्टली वी हैव लिंक्डइन और लिंक्डइन का तो ऑब्वियस फायदा हमें पता ही है कि वो कॉरपोरेट से लिंक करता है लोगों की प्रोफाइल्स बनाता है पर्सनल नेटवर्किंग भी देता है ऑफिशियल नेटवर्किंग भी दे सकता है प्रोफेशनल कंटेंट भी उसकी LinkedIn account, then you share them. तो ये सब फायदे अच्छा अब मैं एक चीज करने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू तो आपको इसी पिक्चर के नीचे ही शायद वो नजर आएगा स्क्रीन नजर आएगी और हम देखेंगे कि हाउ एक्चुअली फेसबुक वर्क्स इफ यू हैव नॉट मेड अ फेसबुक पेज मेक फेसबुक Let's make a Facebook page. So I'm going to do this. I'm going to share my screen with you. अच्छा अब आप लोगों को फेसबुक पेज नज़र आ रहे हैं पता चल जाएगी स्क्रीन नजर आ रही है बना दे व्हाट्सएप ग्रुप
कोई व्हाट्सएप मार्केटिंग वाले जो हैं वो बना लें, कोई मसला नहीं, मुझसे नंबर भी ऐड कर लें। नहीं किया तो यहाँ पर आपके साइट पर ये पेजेस का आपको ये नज़र आ रहा होगा, एंड देन दीज आर सम पेजेस व्हाट यू कैन डू। ये मेरे पुराने कोई पेजेस, न्यू पेज, तो आपने यहाँ पर क्रिएट अ पेज आ गया। तो लेट से आपने कहा कि वो करना है, एंड लेट्स से आई वांट टू बिकम अ कंटेंट मार्केटिंग कंसल्टेंट। कंसल्टेंट हो गया, पेज नेम मैंने रख दिया कंटेंट मार्केटिंग चेंज। सिटी नेम तो वो एड्रेस मैंने बता दिया 22E ब्लॉक 6 PCHS। बाद में देख सकते हैं वीडियो, सही जो पूछ रहे हैं, वीडियोज ब्रेकिंग अप एट टाइम्स। अच्छा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। अच्छा अब मुझे प्रोफाइल पिक्चर डालनी है तो दैट फॉर राइट नाउ। हाँ फेसबुक पेज क्रिएट करने का बता, उसके बाद फिर आगे भी चीज़ें बताना है, अभी से शुरू कर रहा है। ठीक है अभी मैंने ये सब स्किप कर दिया, आप करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल। तो वी हैव क्रिएटेड कुछ कौन निदा है, नहीं है, नहीं है, हाँ है। तो मैंने इनको एक भेज दिया, बहुत सारी चीजें डाल दो ऊपर, लाइक कर लूंगा ताकि लाइक आने शुरू हो जाए। कुछ आपकी सर्विसेज क्या हैं, ऐड अ सर्विस, हमने कहा
यूट्यूब मार्केटिंग और प्राइस हमने नहीं लिखी, कंसल्टेंसी अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड मेक मनी। Let's want to have a मैंने कंटेंट क्यूरेशन से रिलेटेड आप लोगों को चीजें भेजी या नहीं भेजी। लेट्स से इफ आई एम क्रिएटिंग अ पोस्ट, तो मैंने क्या किया, चीज होती है जिसको कहते हैं कंटेंट क्यूरेशन, तो उसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं इंटरनेट से और उसको फिर शेयर करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब, या यूं कह लें इसको ज़्यादा अच्छा करें, यूट्यूबर्स सक्सेस इन द वर्ल्ड। मैंने 15 मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड, अपने पास लिखा व्हाट मेक्स सक्सेसफुल यूट्यूबर। मैंने इसमें लिंक व्यू देगा, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने डाला है वो मैं वापस निकाल भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद आपने क्या किया कि आप अपने इसको कनेक्ट करें के अंदर कुछ इसमें सब चीज ये है बिजनेस और ब्रांड। मेरे पास ऐड हुआ था ना, यानी आहत
हुआ था, अरबाब हुए थे। अब आपकी ये एक पोस्ट आ गई। अब ये देखिए, जब आपने पेज के ऊपर से पोस्ट, तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ रही है जो कि आपके पास रेगुलर अपने पेज पर नहीं आ रही। हम ये बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो अब ये देखें, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आप लोगों का रिएक्ट कमेंट और शेयर, रिएक्ट का मतलब लाइक वगैरह, लाइक या हार्ट या वो सब जो होता है, और कमेंट करना या शेयर करना जो लिंक लिस्ट आ रहे हैं कि आप अगर सेंड पीपल टू योर साइट, यानी कि जब वो क्लिक उसके ऊपर रिएक्ट करेगा तभी आपकी आपके जो है वो पैसे इस्तेमाल होंगे, और अगर आप सिर्फ एंगेजमेंट के ऊपर करें, लाइक स्टार, वो पैसे चार्ज। जो भी काम होते हैं तो आप एक्शन के लिए एक बटन दे रहे होते हैं, वो के शॉप नाउ, बुक नाउ। और फिर जिस वक्त वो क्लिक करेगा तो वो उस लिंक, आप उसको तो अच्छा, उसके बाद फिर आपका किसको टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जो है वो टारगेट ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मेन, सिर्फ मेन भी टारगेट हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, कराची, और इट कैन बी सभी। अगर मैं सिर्फ कराची करूंगा तो ये पूरे कराची को भी भेज देगा, तो ये किसी भी कॉर्नर पे जा सकता है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक ग्रामीण पिन, यू ड्रॉप पिन, ठीक है, कर दिया ऐसे, तो ये बता देगा कि आप पोटेंशियल ऑडियंस साइज कितना है, 11 ड्रॉप पिन, ये देखें। आपने पहले कहा, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कराची में मुझे सीएचएस में जाना है, ठीक
on YouTube. Voice and video gone. Now you can see. अच्छा अब ये इस तरह की ये possibilities आ रही हैं कि people who prefer to do this or prefer to do that. ठीक है, मैंने add कर दिया YouTube. YouTube Live for example, जिनका interest है. कहीं मसला है बार बार में. अच्छा अभी देखते हैं. तो यहाँ पे हम और अब ये शुक्र. तो लेट से मैंने ये अपने पास मुझे करना है. ठीक है, पिन ड्रॉप किया. We are somewhere here. ठीक है, अब एप्लीकेशन एप्लीकेशन आ गई. तो अब मैं इसमें ये कह रहा है प्लस 10 miles, इसको मैंने कम कर दिया. फॉर एग्जांपल मैं कोई छोटी सी बेकरी या कोई सलून या कोई इस तरह की चीज़ चला रहा हूँ जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 2-3-4 किलोमीटर तक जाना है. नहीं जाएगा,
अब ये बता रहे हैं कि ये जितने लोग जो इंजन का ये एड्रेस होगा ये इन्हीं के पास ही ये पोस्ट जाएगी, उसके आगे नहीं, इसने दे दिया स्पेसिफिक कर सकते हैं। People who like YouTube. बहुत स्लो चल रहा है, इसको सेफ। अब ये हमारे पास आ गया, फिर अब आ गई इम्पोर्टेंट, ये क्या ड्यूरेशन होगा। आमतौर पे 4-5 दिन का एक आपका कैंपेन चलती है फेसबुक के ऊपर, इसको आप कम भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, 1 दिन भी कर सकते हैं। इनका जो रूल ये चल रहा है वो ये है, ये आप कम से कम, देखें अभी मैं जैसे ये कह रहा हूँ इसको मैं कर दूँ दोस्तों, ठीक है, तो ये जो है वो ये बता रहा है ये चलेगा। अब ये इसकी रन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है मिनिमम बजट इज दिस 160, बेसिकली ये $1 per day का इनका एक रूल है कि इससे कम नहीं हो सकता। तो अगर आप ₹200 3 दिन पे रखेंगे ना तो ये नहीं चलेगा, अगर इसको मैं 1 दिन कर दूँ ये हट जाएगा, अब ये चल जाएगा ₹200 में भी। और ये बता रहे हैं कि कितने लोग आपके रीच होंगे, 2,60,000 टोटल हैं पॉसिबल, उनमें से तकरीबन 2,000 लोग आपके जो है वो चले जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर अपना कार्ड डाल दिया और इसको रन कर दिया तो ये चलना शुरू हो जाएगा और आपको रिजल्ट आने। अच्छा अब आते हैं, एक काम करते हैं, मैंने इसको सेव ड्राफ्ट कर लिया, मल्टीपल बिहेवियर्स भी ऐड हो सकते हैं, मल्टीपल डेमोग्राफिक्स भी ऐड हो सकते हैं, कि आपने कहा कि एज और ऑक्यूपेशन, स्टूडेंट को ऐड कर लिया आपने, कि स्टूडेंट्स जिसने लिखा है अपने आप को स्टूडेंट वो उसके पास जाएगा। सर, इसमें क्रेडिट कार्ड ही ऐड हो सकता है या इसके अलावा भी कोई कार्ड ऐड हो सकता है? ये तो मुझे पता है, मैंने तो हमेशा अपने रेगुलर डेबिट कार्ड से ही किया, क्रेडिट कार्ड से नहीं किया, डेबिट कार्ड से किया। डेबिट कार्ड से मैंने कार्ड बनवाया हुआ था उसका, अपना क्या नाम है, यूबीएल बैंक का, तो क्या नाम है, विज कार्ड, तो उसके जरिए मैंने, और तो अदर शॉपिंग कर रहा था ऑनलाइन तो वो हो रही थी, लेकिन इसके अंदर डाल रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने बैंक में कॉल की, उन्होंने कहा आपकी हमारी इस तरफ से सर्विस होके आपके उसमें क्यों नहीं कर रहा, तो सब कुछ ठीक है आपके कार्ड का, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आमतौर पे तो मेरे पास हमेशा ये चल जाता है, मास्टर कार्ड HBL का है मेरा, तो इट ऑलवेज वर्क। हो HBL सकता क्या है है इसमें आपका? HBL का, उसमें इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन अगर वो आपने ऑफ किया हुआ है तो शायद नहीं ये नहीं नहीं सर, चलता। वो वही मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में उसको यूज़ कर रहा था ऑलरेडी ना, ऑनलाइन शॉपिंग तो मेरी इंटरनेशनल हो रही थी, तो उस पे नहीं चल रहा था ये फेसबुक के बूस्ट पे। ये आमतौर पे तो चलता है बहुत आसानी से, जैसे दिखा रहा क्योंकि इसके अलावा मैंने दूसरा अमेज़ॉन बैंक वॉलेट्स। का, MCB का किया था, वो भी नहीं चला। ये तो HBL तो बड़ा आराम से चलता है। अच्छा मैं आप लोगों को आप क्या HBL करूँ, का ऑनलाइन सेशन के लिए जो है एक्टिव करवाना पड़ता है, वो टाइम ड्यूरेटेड होता है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट का मैंने सब कार्ड है कुछ वो। एक्टिव करवाया हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने बैंक में 2-3 दफ़ा नहीं कितने दफ़ा कॉल किया, उन्होंने कहा हमारी तरफ से सर्विस होके ऑनलाइन आपकी ऑनलाइन दूसरी शॉपिंग भी हो रही थी ये भी, तो इस वजह से मैं कह रहा था इशू आ रहा था।
मैं आप लोगों को कुछ ऑलरेडी एक्सिस्टिंग में बताता हूँ. फॉर एग्जांपल कंपनी के लिए मैं ये पेज कुछ हो गया, सब लोग उठ गए ना सुबह सुबह. बस अभी 5-10 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं. मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि जब आप बूस्ट कर लेंगे तो उसके बाद रिजल्ट्स कैसे आएंगे. यहाँ आप एड सेंटर में जाएंगे. ठीक है, और से ये देखें आप. ठीक है, कुछ पोस्ट हैं इनके, ये पैसे लिखे हुए हैं कि इतने पैसे स्पेंट आउट ऑफ दिस मच, 350 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये, इतने लोग रीच हुए, इतनी पोस्ट एंगेजमेंट हुई. अब ये पोस्ट एंगेजमेंट अलग अलग है. फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस वन, अब ये बता रहा है देखिए, यू स्पेंट 500 रुपीज ओवर 2 डेज, 2 दिन के ऊपर, और उसके लिंक क्लिक्स इतने आए. उनको वुमेन पे ज़्यादा टारगेट किया था, मेन पे कम किया था. अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि जब आप अपना एडवर्टाइज पोस्ट किया, बूस्ट किया उसे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि भाई पर एंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा दे रहा है, बहुत महंगा दे रहा है. फॉर एग्जांपल इसमें 2 रुपये आ रहे हैं, आपका हो सकता है और ज़्यादा आ रहा है. तो आपने कहा ये सही नहीं है, ये लोग जो है वो जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा था उसको मैं नहीं कर रहा हूँ. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड यू कैन ऑल्सो चेंज दी टारगेट मार्केट. ऐसा नहीं है कि आप फंस गए, उस पर जाएँ, यहाँ पर जाएँ ऑडियंस में, यहाँ पे एडिट ऑडियंस कर दें. एडिट ऑडियंस करेंगे, ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी सारा यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी जेंडर फीमेल था. शुरू में इसको मिक्स रखा था, बाद में इसको फीमेल कर दिया, तो ये हम देख रहे हैं कि ये परसेंटेज ये बता रहा है, प्लेसमेंट्स बता रहा है कहाँ पर हुआ है.
ये जो है वो मोबाइल ऐप में सबसे ज्यादा 85% आई है, इंस्टाग्राम में इतनी आई है, डेस्कटॉप पे इतनी आई है। देख रहे हैं कि हम न्यूज मोबाइल में सबसे ज्यादा आ रहा है इसका। लोकेशन ये है, क्या हमने 100% एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में दिया था तो ये वहीं पर दे रहा है, अदरवाइज इसके हिसाब से दे लेंगे। अगर इसको बंद कर दो और हम देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो इसका जो कॉस्ट पर एंगेजमेंट है वो 2 रुपीज़ है। इसी तरह से मैं देखूं ये वाला कम है, इसका मतलब है कि इसके जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा थी, ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो ऑब्वियसली जो आपने कंटेंट लगाया हुआ होता है वो भी वर्क करता है। नज़र तो आ रहा है, यहाँ पर जो है वो आपको कॉस्ट कम आ रही है। यहाँ पर सिर्फ वुमेन को टारगेट किया है, प्लेसमेंट ये बता रहा है कि ये अलग अलग है, ठीक है। तो यू गेट द आइडिया हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। तो अब ये काम करें कि फेसबुक पेज बनाएं, उसके ऊपर कुछ पोस्ट डालें, कोई अगर थोड़ा सा खर्चा कर लें 200 रुपये 150 रुपये, आप जो है वो एक दिन की पोस्ट लगा कर देखें कि उसका कैसे रिजल्ट आता है, लोग उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। इस वक्त तो सब लोग घर में बैठे हुए हैं, सब ऑनलाइन होंगे तो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? तो हमारा जो पेज था वो हम देख लेते हैं। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू आवर And if you have, yes, only through credit or debit card. I use Master. नहीं, अभी तो सब चलता है। अब अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो बता दीजिए, वरना हम यहाँ पे आज का सेशन इसको ख़त्म करते हैं। इन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन आपका यही है ना कि आप यू हैव टू रीच सर्टेन पीपल, यू मेक दीज टारगेट्स के आपको इतने लोगों तक पहुँचना है, इतने लोगों के का रिस्पॉन्स लेना है या रिएक्शन लेना है या साइन अप लेना है या सेल्स जनरेट करना है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, वो आपको बताना है कि आपने क्या, आप क्या अचीव करने वाले हैं इससे। आप फेसबुक पर लाइक्स या फॉलोअर्स लाएंगे पेज के ऊपर या क्या करेंगे, बोला है जून तक का टाइम है।
तो शुरू एक दूसरे से हम शेयर करें, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल आई विल शेयर दिस पेज विद यू, यू लाइक दोस पे, जब मैं आप सब लोगों को भेजूंगा आप उस पे लाइक करें, फिर आप लोग अपने अपने पेजेस भेजें तो बाकी सब लोग उसको लाइक करें, तो इस तरह से थोड़ा सा वो बढ़ेगा। यूट्यूब चैनल रन करने के लिए हमने मैंने आप लोगों को वो भेजा था, ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम हम यूट्यूब चैनल भी ओपन करके देख लेंगे कि कैसे वो होगा। नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल तो यूट्यूब और व्हाट्सएप का तो अगर बता दूँ थोड़ा कि उस पर किस तरह मार्केटिंग होगी, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल जो कॉन्टेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर होंगे हम तो उसी पे खाली भेज सकते हैं, उसके अलावा मजीद के लोगों को किस तरह भेजें। सही है, सही है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो कर लेंगे। अभी आप बना के मुझे अपडेट करते रहें कि हमने यहाँ तक काम कर लिया, ये काम चल रहा है। एक दूसरे को उस पे सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे को भी ऐड करें ताकि सब लोग एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करें। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये वीडियो जो रिकॉर्ड किया आपने, ये भी इसमें क्लासरूम में आप ऐड कर देंगे क्योंकि आवाज़ का काफ़ी इशू आ रहा था, तो उसको देख लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, काफ़ी जी टाइम बल्कि लगता है, ये 6-8 घंटे लगता है इसको रेंडर होने में, शाम तक होगा, उसके बाद फिर मैं शेयर करूँगा। चलें सर, चलें वो कर देंगे ना सेंड, चलें आजकल के अंदर 1-2 दिन के अंदर चलें वो देख लेंगे, वहाँ से क्लियर हो मैं जाएंगे कुछ। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं उसमें ये ऐड कर लें। नंबर यहीं पे सेंड कर दें। यहाँ पे मैं अपना भी, आप बाकी लोगों से जो है वो आप गूगल क्लासरूम पे भी मैं डाल देता हूँ, जिसको ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम क्लोजिंग दिस। बाकी हम जो भी चीज़ होगी अपडेट वो उस पर करेंगे। हो सकता है मैं आपको कोई असाइनमेंट्स वगैरह भी उसी के ऊपर डाल दूं ताकि वो काम भी चलता रहे। ठीक है, या कोई क्विज का वो भी हो सकता है, तो कीप अ लुक आउट, ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल गायब हो जाए गूगल क्लासरूम बीच में 1-2 दिन में चक्कर लिया करें। ओके सर, नहीं भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़ सर। कंज्यूमर, हेलो हेलो सर, वो कंज्यूमर बिहेवियर की भी मेरी क्लास है, तो वो भी इसी तरह आप ऑनलाइन इसी तरह यही उसका भी पैटर्न होगा जो इसमें अभी आपने इस तरह बताया, हाँ, उसमें मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं आई थिंक, तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें वो भी गूगल क्लासरूम में। हाँ, गूगल क्लासरूम में डाले। चलें ठीक है सर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।